ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਟਗਨ ਰੱਖਦਾ ਠਾਚ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਓ ਯਾ 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 ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर द 8000 ਰੁਪੀਸ ਸੁਪਰ मतलब 8000 रुपए का सुपर चैट ओ भाई गाइस कैन वी हैव प्रवीण इन द चैट भाई मतलब देखो भाई जितना स्पैम तुम्हारा अल्फा मोटू होता है ना उतना तगड़ा स्पैम आज होना चाहिए प्रवीण भाई इन द चैट प्लीज गाइस लेट्स वेलकम प्रवीण भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए रियली रियली हेल्प्स मी अ लॉट प्रवीण भाई थैंक यू सो मच फॉर द 8000 रुपीज सुपर चैट एंड सनील भाई थैंक यू सो मच फॉर द 100 रुपीज ऑन पेटीएम भाई सच में तू मोटू है तेरा पेट सच में बाहर है नहीं यार मेरे को नोनो लाइव में आप देख लो मैं इतना कुछ नहीं दिख पड़ेगा देख लो इसको आ गया भाई सो गया होगा रास्ते पे एक मिनट रुक जा रिफंड का क्या है भाई प्रवीण राणा 40 रुपीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया 9 रिफंड 4K ओके मैं कर देता हूँ प्रवीण राणा भाई का नंबर मेरे को ये नंबर पे पेटीएम करना है ना इसका मैं स्क्रीनशॉट की फोटो खींच लेता हूँ ओके मैंने फोटो अपने मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है मैं ये मैच खत्म होने के बाद रिफंड कर देता हूँ ठीक है हेलो हाँ जी अब आ रही है ना भाई तब से मार इनके टीम में मार रहे हैं और यह सुन सुन अभी तू अगर म्यूट होता ना तो हेल्प लिख डाल एक बार चैट में ओके यहाँ क्लियर है ना एक को एक एक को रिफंड करना है भाई 8000 का सुपर चैट करके बोलते 4000 रिफंड मैं रिफंड करके आता हूँ है एक प्रवीण करके तो डिस्क्रिप्शन में डाला नहीं इसमें तो तुम्हारा नुकसान है भैया क्या करें तो 30% काट के रिफंड कर दे नहीं 8000 डोनेट करके 4000 रिफंड मांगा तो उसमें नुकसान नहीं है कुछ नहीं हुआ मतलब मेरा चैट में खाली प्रवीण प्रवीण हो गया गांडू के जैसा अबे रुक जा मैं आया एक सेकंड दो टैग खा के कोई कांड नहीं का बचा पड़ा आ ले ले ना बहुत गांड ले ले मेरी साले हट कहाँ है चलो इसका नंबर एक मिनट पेटीएम ये वही है ना नाम इनका वही है ना फिर दूसरा कोई प्रवीण राणा बना के बोले ना कि 4000 भेज दे वापस मिनट देख लेता हूँ फिर वही आईडी है ना वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ब्रो मैं 4K भेज रहा था 8K चला गया 4K रिफंड हो सकता है हाँ हो जाएगा भाई क्या प्रॉब्लम है कोई टेंशन नहीं है बस मैं इतना बोल रहा हूँ गाइस बहुत ध्यान समझ के करो यार इनकेस अगर आप ज़्यादा नहीं डोनेट करते और अगर चेक व्हाट्सएप एक सेकेंड सिक्स सेवन टू वन फोर बस गाइस ऐसा मत करो यार जस्ट इनकेस अगर आप ज़्यादा नहीं करते हो और आप 1000 खाली डोनेट करना चाहते हो बट आपको 1000 खाली आपको 10 आपको 20 रुपीज़ डोनेट करना आपने 2000 कर दिया तो फिर यार उसका मैं पूरा रिफंड नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यूट्यूब 50-40% ऑलमोस्ट वो ही काट लेता है सो इसीलिए 9672 428 आ गया 1428 लोकेश जोशी लिखा है इसमें तो कुछ प्रवीण राणे ने लिखा है प्रवीण राणा नहीं लिखा है लोकेश जोशी लिखा है भाई चैट में गाइस 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 कुछ भी यार कुछ भी चैट में मत लिखो उनको पर प्रवीण राणा
दिल से 4K आपको दिए भाई, ऐसी कोई बात नहीं है प्रवीण भाई, थैंक यू सो मच फॉर द 4000 रुपीज सुपर चैट, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन होने के लिए। अल्फा वेट अभी कुछ अरे भाई मत करो ऐसा, नहीं यार फिर वही ना लोकेश जोशी लिखा है, वरना मैं प्रवीण लिखा होता तो भी मैं कर लेता। एक काम करो प्रवीण राणा, अभी आप डिस्कॉर्ड पे आइए, मेरे मॉडरेटर से बात कर लेंगे जो भी है वहाँ सॉर्ट करना, और मुझे यही मेरे को यही आईडी कैसे मिलेगा। एक और सुपर चैट करो भाई प्रवीण राणा फॉर द 20-40 रुपीज़ का सुपर चैट करो यही आईडी से, और आपका इंस्टाग्राम हैंडल बताओ, फिर वही हैंडल पे मैं मैसेज करूँगा आपको एंड देन वी विल सॉर्ट इट। मैं 40 रुपीज़ भी आपको पे कर दूँगा वापस, ठीक है यार, ये मगज हमारी नहीं चल चलता यार मेरे को। प्लीज 8500 बंदे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी मैं रिफंड का बता देता हूँ थोड़ी देर बाद ये मैच खत्म करने में। डोंट वरी 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 वरी, यहाँ रुकते हैं, यहाँ घर पर रुकते हैं और फिर बताते हैं यार। इतना उसने कल बेकार का अपना, इतना बेकार हेट हो गया, इतना बेकार उसने करा है ना मेरे साथ, मैं बताऊंगा ना तुम लोग उसको कितना। छोड़ो हाँ, सो हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, सो कल उसने, अगर आप लोगों को नहीं मालूम गाइस, कल एक बंदे ने 8000 रुपीज़ डोनेट सुपर चैट करा था, फिर वो सुपर चैट होने के बाद उसका आई थिंक अराउंड 15-20 मिनट्स के बाद वो बोलने लगा कि आई नीड 4000 रुपीज़ रिफंड। हे व्हाट्स अप शोभा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच 100 रुपीज़। फिर वो थोड़ी देर बाद उसने 100 रुपीज़ का और एक सुपर चैट किया और बोलता है कि भाई मुझे 4000 ही डोनेट करने थे, 4000 रिफंड दे दे, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज डोंट नो, अगर आप जस्ट ये सब में 16 साल के हो या 17 साल के, अगर आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यूट्यूब में एक पॉलिसी है कि 8-10 दिन तक भी वो रिफंड मांग सकता है यूट्यूब से वापस अपने 8000 का, ठीक है। सो वो 8000 का रिफंड मांग सकता है वापस। तो अगर वो बोलता है कि मैं, और वो बोल रहा था बंदा कि मेरे को अभी कभी रिफंड दे 4000 रुपीज़, मेरे को चाहिए अर्जेंटली, किसी को देना है, ठीक है। बहुत स्ट्रीम में मगजमारी किया उसने मेरे साथ, मैं बोला ठीक है तेरा स्ट्रीम के बाद डिस्कॉर्ड पे देख लेता हूँ, ओके। सो ये बात हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन जब मैं गया, हे व्हाट्सअप अथेंद्र भाई, एंड देन जब मैं गया डिस्कॉर्ड पे उससे बात करने को, यू वोंट बिलीव उसने क्या क्या बेकार बातें बोली है, तेरे को पता है। गया डिस्कॉर्ड पे, मैंने उसको पूछा भाई क्या हो गया, आपको रिफंड चाहिए ना, मैं आपको पूरा मैं प्रोसीजर देता हूँ कैसे यूट्यूब से, मैंने वर्ड टू वर्ड जो प्रोसीजर रहता है ना, मतलब कहाँ के बाद कहाँ क्लिक करना है, क्या खोलना है, कौन से ब्राउजर में जाना है, सब मैंने उसको बताया, ठीक है। उसने बोला ठीक है भाई मैं रिफंड मांग लूंगा वहां से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने ऐसा बोला वो बंदे ने। फिर मैंने बोला कि भाई अगर तेरे को यही था कि तू रिफंड मांग लेगा तो तू इतना पैनिक होके क्यों मेरे को बोल रहा था ऑन स्ट्रीम कि आई वांट रिफंड राइट नाउ, मेरे को पैसा नहीं है, मेरे को पैसा देना है। फिर वो बात हुई, थोड़ी देर बाद मैंने उसको पूछा भाई आप क्या काम करते हो, तो आपने 8000 रुपीज़ डोनेट करा, क्या करते हो, तो बोलता है मेरा बहुत बड़ा मेरा होटल का बिजनेस है। मैं बोला भाई तेरा होटल का बिजनेस है, तेरे पास 4000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं है लेने के लिए। फिर बोलता है भाई मेरा बैंक लिमिट रीच हो गया। मैंने बोला बैंक लिमिट रीच हो गया तेरा, 4000 तेरे पास पैसा नहीं है भाई, तेरे पास होटल है पूरा, तेरे पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, कितने सारे लोग होंगे, 4000 रुपये कोई भी दे देगा। तभी वो बोला कि हाँ भाई सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही कर लेता हूँ मैं, एंड ही लेफ्ट। सो दिस इज व्हाट हैपेंड यस्टरडे। और ऊपर से वो क्या बोलता है एंड में पता है, कि जो मैंने 8000 डोनेट करे ना, उसके बाद मैं और 6000 डोनेट करने वाला था आपको। मैंने बोला कि भाई और तू 6000 डोनेट करने वाले, क्या लॉजिक बनता है भाई, तू ये 4000 रिफंड मांग रहा है उसके बाद 6000 डोनेट करने वाला है, डज इट मेक एनी सेंस। और फिर बोलते कि मैंने बोला अभी तो आपने बोला कि आपका ये लिमिट रीच हो गया, तो बोलते हाँ मेरे को और 6000 डोनेट करने का मन तो है। क्या बंदा है यार, उसने उस दिन जितना मेरा माइंड फक करा है ना भाई, वो बंदे ने पूरा स्ट्रीम के लगा दिया उस टाइम उसने। ये चीज़ मेरे को नहीं पसंद है गाइस। सो आज के बाद मैं आज दोपहर के स्ट्रीम से डाल दूंगा कि यूट्यूब से जो भी सुपर चैट्स आएंगे, डोनेशन आएंगे, प्लीज़ ज़रा सोच समझ के करना गाइस। बहुत भाई एक बार इनकेस अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो चलेगा मेरे को, बट ये यूट्यूब से अगर आप 20 रुपये डोनेट करना चाहते हो और 2000 डोनेट हो गया ना, तो भाई मैं नहीं दे पाऊंगा अपने जेब से, बिकॉज 2000 कहाँ, और यूट्यूब की तरफ से मेरे को 50% वैसे ही कट जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड यस्टरडे। मैं चल हूं एकदम, उसके बाद मेरा थोड़ा माइंड फक हुआ कि ये क्या बंदा है, कैसे आ जाते हैं। और ऊपर से भाई उसके पास जो ना जो बैंक स्टेटमेंट रहता है, क्योंकि ये देखो स्कैम के भी पैसे हो सकते हैं, तो अगर आपके बैंक से 8000 रुपए कटे हैं तो उसका एक मोबाइल नंबर पे आपको मेल आता है, ठीक है, मेल आता है या फिर मैसेजेस आते हैं। तो मैंने बोला कि वो मैसेज एक बार मुझे फॉरवर्ड कर दो, आपके बैंक के अकाउंट से कट गए ना तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा अभी। तो ही इज लाइक कि नहीं मेरा वो बैंक अकाउंट का जो नंबर था ना वो मेरा ब्लॉक हो गया है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ उससे ये वो, एंड ही इज टेलिंग लाइक मेरा वो अकाउंट नंबर ही बैन हो गया, मेरा वो नंबर ही बंद हो गया, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बोला वाह भाई, इतना टट्टी दिमाग उसने कल खराब करा है ना भाई,
कितने लोगों ने इसको हेल्प करा कि भाई शांति रख, पैनिक मत हो, और वो भाई पैनिक पे पैनिक हो जा रहा है, बोलते हैं मेरे को अब भी रिफंड चाहिए, और फिर बोलते हैं कि मेरे को 6000 और डोनेट करने थे। इतनी मगजमारी हुई गाइस। और कल आप लोगों ने कितने लोगों ने मुझे गाली दी कि भाई तू रिफंड नहीं कर रहा है, तू ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। भाई तुम लोग, इतना ही मेरी इज्जत थी तुम लोग के भाई, क्या यार, शायद अटेंशन की, ऑब्वियसली। हेलो गाइस, तो आपने देख ही लिया सारी वीडियो, जैसे अल्फा ने बोली और अल्फा ने कहा कि इस तरह से उसके साथ कंट्रोवर्सी हुई उस बंदे की। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, शायद बंदा अपनी जगह पे सही था, शायद अल्फा अपनी जगह पे सही था, मुझे पता नहीं क्या हुआ, बट जो भी था ये जो उस बंदे ने किया ये गलत था। और उस बंदे, अल्फा ने पूरी बात नहीं दिखाई, उस बंदे ने, अल्फा गया था उसके डिस्कॉर्ड पे, मतलब वो आया था अल्फा के डिस्कॉर्ड पे, सॉरी, और उन्होंने काफ़ी देर तक बात की इस बारे में, और उसके बाद फिर उस बंदे को अल्फा ने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया, तब भी वो बंदा मतलब बोल रहा था नहीं, और ये शायद स्कैम भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ कह नहीं सकते इस बंदे का क्या सीन है, स्कैम कर रहा था नहीं कर रहा था, या सही में ट्रूली डोनेट करना चाहता था। जो भी है गाइस, ऐसा मत किया करो यार, जो भी है, सब सब स्ट्रीमर्स हैं, आप थोड़ा सा डोनेट करते हो, हेल्प करते हो, ठीक है, हाँ, लेकिन इस टाइप का मतलब डोनेट करने के बाद, कैरी के साथ भी हो चुका है, जैसा कि मतलब काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो कैरी ने पूरी की पूरी अमाउंट रिफंड की थी, वो अपना मतलब कुछ भी पैसा काटा नहीं था, जबकि 30-40% यूट्यूब काट लेता है, तो भी उस बंदे ने पूरा का पूरा रिफंड किया, तो अब जैसे कि देख सकते हो, तो मतलब ऐसा मत किया करो यार, थोड़ा सेंसेबल होके डोनेट करो, कर रहे हो तो पैसे हैं,